हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मुस्कान आईटीआई यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, हम सीआरओ के थ्रू यानी ऑसिलोस्कोप, इसके ऑसिलोस्कोप को हम लोग सीआरओ बोलते हैं, सीआरओ के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। ठीक है, आप लोग पहली बार आप फ्रीक्वेंसी को किसी उपकरण के माध्यम से देख सकते हैं, वो है ये किसी फ्रीक्वेंसी होती है, किस शेप में होती है, इसमें सारा चीज आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सावधानीपूर्वक आपको हैंडल करना चाहिए। चलिए हम लोग वेव फॉर्म सीखते हैं, बहुत कम स्कूलों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसका प्रयोग चलिए हमारे यहाँ तो आमतौर पर आपको सिखाया जा रहा है। चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। ये हमारे बगल में क्या है, फंक्शन जनरेटर, जो कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। ये है ऑसिलोस्कोप, इसको सीआरओ भी बोलते हैं। सीआरओ का पूरा नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, चलते हैं, ऑन कर देते हैं स्विच को। स्विच को हम लोग स्विच ऑन कर दिए हैं, दोनों का स्विच ऑन है। सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं, सॉरी इसको कम कर दिया जाए, ऑसिलोस्कोप ऑन कर दिए। ऑसिलोस्कोप ऑन हो गया, आपको बीम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बीम दिखाई दे रही है। इसकी इंटेंसिटी कम है, थोड़ा बढ़ाया जाए, फोकस को बढ़ाया जाए। आपको दिख रही है, बीम को हम लोग टाइम पर डिजन से इसको हम घुमाएंगे तो बीम हमको एक लाइन के रूप में दिखेगी। ठीक है, इस लाइन को हम लोग इस इनकी वाई पोजीशन और एक्स पोजीशन पर हम लोग सेट करेंगे। पहले आते हैं, हम एक्स पोजीशन पर सेट किया जाए, सीधा हो गया। नीचे ऊपर करने के लिए यह है, यानी जो ग्राफ बना हुआ है इस पर वाई एक्सिस का ग्राफ और ये एक्सिस का ग्राफ बिल्कुल सीध में हो गया हमारा, आपको दिख रही होगी लाइन। ठीक है, अब आते हैं इस पर, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं इसको। चलिए फ्रीक्वेंसी जनरेट किया जाए, हम लोग इससे फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया जाए। चलिए हम इस पर हम 40 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, ये ऑन हो गई। साइन वेव पे इसको सेट कर दिए हैं, साइन वेव दिखेगा हमको, तो देखिए पहले ऑन करते हैं इसको। इसमें अभी इन नहीं किए हैं यहां से, ठीक है, इसको इन कर लिया जाए। ये यहां से इस केबल के थ्रू इसमें जोड़ रहे हैं, यहां पर देखिए जोड़ दिए हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दिखने लगी, साइन वेव में फ्रीक्वेंसी आ रही है आपको नजर। ठीक है, यदि हम टाइम पर डिवीजन घुमाते हैं तो ये देखिए इससे लंबा हो जाएगा, सॉरी ये उल्टा जा रहा है, यानी कि इसको हम माइक्रो सेकंड के तरफ ले जा रहे हैं, इधर मिली सेकंड है, इस साइड में माइक्रो सेकेंड है, इस साइड में मिली सेकेंड है, तो हम माइक्रो सेकेंड की तरफ ले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी, फ्रीक्वेंसी का जो फैला होगा बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी फैल गई। और कम करते हैं, देख रहे हैं इसको, इससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज पर डिवीजन हम पहले बता चुके हैं फंक्शन जनरेटर में, वोल्ट का
अर्थ है इसमें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मान जो निकाला जाता है इसके थ्रू निकाला जाता है। देखिए इससे इससे कम हो गया, जब हम मिली सेकंड तरफ जाएंगे तो इस ये पैमाना आपका बढ़ जाएगा। इन दोनों का अलग अलग काम है, इससे हम वोल्टेज इस एम्पलीट्यूड मतलब इसका जो फंक्शन जनरेटर द्वारा वोल्टेज उत्पन्न हो रही है उसको काउंट करेंगे। इस जो मतलब टर्मिनल है इस ये आपका जो है डिवीजन टाइम पर डिवीजन, इसके थ्रू हम इस पैमाने में जो लिखा हुआ है इसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। दोनों का वर्क अलग है, दोनों के लिए हम पहला इस वीडियो में हम पहले फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, दूसरे वीडियो में इसका एम्पलीट्यूड मान कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास यह है चल रहा है, इसको रोकना चाहिए। रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए बटन लाइन INT दिया हुआ है, एक्सटेंशन यानी बाहर निकालने के लिए इससे होगा, इंटरनल चेक करना है इंटरनल चेक कीजिए, स्थिर हो गया, देख रहे हैं आपका स्थिर हो गया। इसमें देखिए पैमाना बना हुआ, पैमाना आपको दिख रहा है, हमको तो लग रहा है कि आपको पैमाना दिख नहीं रहा है, पता चले पैमाना देखा जाए, इसको बंद कीजिए, जूम कर लिया जाए इसको। इस वीडियो में देखिए आपको पैमाना दिख रहा है सीआरटी पर आपको ये पैमाना दिख रहा होगा, ये देखिए इस पर ग्राफ बने हुए हैं, यहां से यहां तक ग्राफ वाई एक्सिस पर और सॉरी एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस पर ग्राफ बने हुए हैं। ये डिवीजन है, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन, इससे तो ये डिवीजन बने हुए हैं। ठीक है, हर डिवीजन में एक जो ये बॉक्स बना हुआ है यहां तक, इसको बीच में हम लोग इसका पांच डिवीजन में बांटा गया है ग्राफ पर, यानी कि यहां से यहां तक जितना दूरी है इसको पांच डिवीजन बांटा गया है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक एक डिवीजन, दो डिवीजन, उसके बाद 0.7 मतलब जो भी है पॉइंट लगा सकते हैं इसको। तो मान लीजिए कि यहां से यहां एक डिवीजन है तो यहां से यहां तक इसमें पांच डिवीजन बने हुए हैं, तो एक डिवीजन का मान कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 हो जाएगा, एक डिवीजन का मान 0.2 हो जाएगा। इसी तरह आप कैलकुलेट करना है, तो आगे चला जाए इसमें, इसमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी हमारी साइन वेव बनेगी ये, इसको हम डिवीजन काउंट करेंगे कितना है, एक दो तीन इस तक काउंट करेंगे, यानी कि एक साइकिल साइकिल काउंट करना है। ओके, चलिए ऑन करते हैं, सीआरओ ऑन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग नीचे के देखिए एम्पलीट्यूड जो है, ऊपर का एम्पलीट्यूड सेट किया जाए, बराबर होना चाहिए, देखिए ये हमारे यहां से यहां तक देख रहे हैं, यहां पर ये और ऊपर ये बीच में ये है, बीच में है एक डिवीजन, दो डिवीजन, दो डिवीजन मतलब हम ये है, एक डिवीजन, दो डिवीजन मतलब हम ये है। ठीक है, अब आते हैं इसकी साइकिल जो बनती है, तो इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको, देखें इसकी जो साइकिल है हमारी, जैसे यहां से उठ रहा है, यहां गया ये एक साइकिल, यानी यहां से ये उठा, ये बढ़ते हुए क्रम गया, पीक हुआ, पीक से घटते हुए क्रम पे आया, जीरो हो गया, जीरो से ये फिर पीक गया, फिर ये आया, यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव पीक होता है, नीचे नेगेटिव पीक होता है, ये एंगल होता है, यानी कि वन साइकिल इक्वल टू 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री, यहां से ये बीच में गया तो ये 90 डिग्री होता है, फिर यहां आएगा 180 डिग्री, यहां पर फिर बीच में आया तो ये आपका 270 डिग्री होता है, फिर यहां पर जाकर गया तो ये 360 डिग्री, इसी तरह ये वन साइकिल हुआ, ये वन साइकिल। तो हम वन साइकिल को मेजर करेंगे कितना है, कितना डिवीजन में है, तो हिल रहा है, इसको थोड़ा सा हम
सॉरी लेबल के थ्रू रुकने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सेट कर दिया, यहाँ तक आया, ठीक है ना। तो काउंट करेंगे, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, तीन डिवीजन है, ठीक है, तीन डिवीजन है, तीन डिवीजन से थोड़ा सा कम बेसी हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो हम तीन डिवीजन मानते हैं, तीन डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लायर वन, मल्टीप्लायर वन, तीन डिवीजन, मल्टीप्लायर वन, तो कितना हो गया, थ्री, थ्री मिली सेकेंड हो गया, कितना हो गया, तीन डिवीजन मल्टीप्लायर वन, थ्री मिली सेकेंड, थ्री मिली सेकेंड होता है, फार्मूला हमारे जो होती है एफ इक्वल टू वन बाई टी, एफ इक्वल टू वन बाई टी। तो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, और टी क्या होती है, टाइम, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो रीडिंग निकालते हैं इसका पैमाने के हिसाब से। तो एफ निकालने के लिए वन बाई टी करेंगे, टाइम निकल कर गया हमारा, टाइम कितना है, थ्री मिली सेकेंड, थ्री मिली सेकेंड। तो इसमें वन अपॉन टी कीजिए, वन अपॉन थ्री मिली सेकेंड, मिली सेकेंड का पावर कितना होता है, थ्री मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री। तो जो माइनस थ्री है, एक मिनट आपको लिख के समझाते हैं, रीडिंग चेंज हो गई है थोड़ा किसी कारणवश, ठीक है ना। तो इसको हम चेक करते हैं कितना है, पहले इसको सेट करते हैं, ठीक है, वो दिख रहा है, देखिए यहां से ये एक डिवीजन, ये है एक डिवीजन, दो डिवीजन, दो के बाद एक, दो, थोड़ा सा आगे है, तीन से कम, दो से अधिक। तो हम एक डिवीजन मालूम है को पॉइंट टू है, तो ये कितना जगह, पॉइंट फोर से कुछ अधिक है, सिक्स से कम है, पॉइंट फाइव मान लेते हैं, टू पॉइंट फाइव, टू पॉइंट फाइव डिवीजन मल्टीप्लायर वन मिली सेकेंड, वन मिली सेकेंड दिख रहा है आपको, सॉरी, देखिए इस पे आइए, जो आपका टर्मिनल है वन मिली सेकेंड पर है, ये जो टर्मिनल है आपका वन मिली सेकेंड पर है, ठीक है, वहां पर 2.5 डिवीजन हुआ वन मिली सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 मल्टीप्लाई वन, यानी कि 2.5 मिली सेकेंड। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निकालने के लिए फार्मूला है हमारा, फार्मूला हमको मालूम है, यहाँ पर डिवीजन थी हमारी 2.5 डिवीजन मल्टीप्लायर वन मिली सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा, टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन मिली सेकेंड, तो हो गया 2.5 मिली सेकेंड, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लायर 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड, टी निकल गया हमारा, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान टी, टी का मान निकल गया है 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड, इसलिए 1 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड
को हम यदि कन्वर्ट कर देते हैं तो ये वन अपान में एक में 2.5 से भाग दीजिए, भाग दीजिए तो एक में 2.5 से, सॉरी इसको 2.5 लिखते हैं, ये जब ऊपर जाएगा माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो गुणा हो गया, सॉरी ये माइनस हट जाएगा, 3 हो गया, इसको भाग देते हैं तो 0.4 कितना आएगा निकालिए इसको, 1 डिवाइड बाई 2.5 है इक्वल टू 4 आ गया, मल्टीप्लायर 10^3 इतना किलो हर्ट्स बोलिए या 4 इसमें इतने से गुणा कर दीजिए, 0.4 में 1000 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए यहां पर ये 40 पर है पॉइंटर 40 पर है, 40 पर है, मल्टीप्लायर हमने सेट किया था 1 तो कितने हो गया 40 हर्ट्ज, ठीक है, इसीलिए 40 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी आई है। इसी तरह आप डिवीजन काउंट करके इसको सेट करके आप ऑसिलोस्कोप से फ्रीक्वेंसी फॉर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, देखने में मजा नहीं है, प्रैक्टिकल करेंगे तभी ये समझ में आएगा, प्रैक्टिकल आपको करना है, हमको नहीं प्रैक्टिकल करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है। आशा है कि ऑसिलोस्कोप चलाना सीख गए होंगे, कैसे मेजर करते हैं, बस यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें।